देखिए आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, पूरे विश्व में उत्साह है कि आज अजन्मे का जन्म है और बिहारी जी और ब्रज में तो विशेष होता है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज ब्रज में उत्साह है और श्री बांके बिहारी जी का तो ये विशेष उत्सव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ब्रजमंडल में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। रात को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अजन्मे के जन्म के आनंद और उल्लास में हर कोई झूमता दिखा, तो आज मंगलवार को प्राचीन श्री राधा रमण मंदिर में दिन में ही अनोखे और अद्भुत रूप से लाडले का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जबकि जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव आज रात को मनाया जाएगा। मंदिर में लाला के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। लाखों भक्त अपने लाडले के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए कई दिन पहले से डेरा डाले हुए हैं। मंदिर और ब्रजमंडल की गलियों में आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने कान्हा की एक झलक पाने के लिए लालायित है। इस बार कान्हा का प्राकट्य महोत्सव दो तिथियों में मनाया जा रहा है। रात को श्री कृष्ण जन्मभूमि में कन्हैया ने जन्म लिया तो चहु ओर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष गूंजने लगे। पंचामृत से प्रभु के श्री विग्रह का महाभिषेक कर आरती की गई। तो राधा रमण मंदिर पहुंचे हजारों भक्तों ने दिन में जन्माष्टमी का आनंद लिया। सेवायतों द्वारा ठाकुर श्री राधा रमण लाल के श्री विग्रह का दूध दही घी शहद जड़ी बूटी एवं पंचामृत से महाभिषेक किया। ठाकुर जी के दिव्य दर्शन कर भक्तगण जय जयकार करने लगे। वहीं जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कान्हा के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए भक्तगण लालायित हैं। बांके बिहारी मंदिर में किस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, आइए बात करते हैं मंदिर के सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी से। हमारे यहाँ जन्माष्टमी 27 तारीख को मनाई जा रही है और ब्रज के सारे प्राचीन मंदिरों में, वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में जन्माष्टमी 27 को ही मनाई जा रही है। और बिहारी जी का ये विशेष उत्सव है क्योंकि ठाकुर जी की साल वर्ष में होने वाली मंगला आरती सिर्फ एक ही दिन होती है जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि ठाकुर जी के मंगला के दर्शन भी हमारे वर्ष में एक बार होते हैं। क्योंकि बिहारी जी का हर उत्सव अनोखा है तो जन्माष्टमी भी हमारे यहाँ विशेष रूप से बड़े अनोखे तरीके से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन पहले गोस्वामी समाज जाके ठाकुर जी का 12 बजे अभिषेक करते हैं, जो कि जड़ी बूटियों केसर इत्र गुलाब जल और पंचामृत से अभिषेक होता है। उसके बाद ठाकुर जी को श्रृंगार किया जाता है। उससे पहले ठाकुर जी के समस्त गोस्वामियों के घर से जो पाग आते हैं उनका भोग लगाया जाता है और हमारे मंदिर के चबूतरे पे बाहर श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा सुनाई जाती है, जो ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा है। और उसके बाद 2 बजे के करीब ठाकुर जी का दर्शन खुलता है और उसी समय मंगला आरती होती है। और ये मंगला के दर्शन सुबह 5 बजे तक रहते हैं और जो कि विशेष दर्शन होते हैं, जो कि साल में एक ही दिन दर्शन कराए जाते हैं। और ठाकुर जी का, हमारे ठाकुर जी आज प्रकट हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे गाया जाता है कि हुआ सुख सोहना मन का मोहना नंदलाल कि आई सब गोपियां नंद के घर द्वार के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज ब्रज में उत्साह है और श्री बांके बिहारी जी का तो ये विशेष उत्सव है क्योंकि ये साल में एक ही दिन ये मंगला के दर्शन होते हैं। और सुबह जो हमारे यहाँ कहावत है कि जो करे मंगला वो कभी ना वो कंगला, तो जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो आज चारों तरफ चौं ओर भीड़ है ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लालायित। ठाकुर जी का पीत वस्त्र धारण होते हैं, ठाकुर जी को अभिषेक के बाद श्रृंगार धराया जाता है, बिल्कुल बच्चे के रूप में श्रृंगार किया जाता है। और आज बिहारी जी सबसे सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं कि लाला अभी पैदा हुआ है। तो ये गोस्वामियों का भाव है, स्वामी हरिदास की वंश परंपरा से ऐसा ही श्रृंगार चला आ रहा है जो कि आज भी गोस्वामी उसको अनवरत करते हैं। हमारी एक कोशिश थी आप तक जन्माष्टमी महोत्सव की तस्वीरें पहुँचाने की। अगर वीडियो के माध्यम से दर्शन कर आनंद प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं।